7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास का बड़ा आतंकवादी हमला उसकी बढ़ी हुई ताकत का सबूत है। जमीनी रास्ते से सैकड़ों की तादाद में हमास के आतंकवादियों का इसराइल में घुसना और वो भी ऊंची कंक्रीट की मजबूत दीवार तोड़कर डोजर के जरिए और हमले के लिए पैराग्लाइडर उड़ाते हुए आना और समुद्री रास्ते से बोट के जरिए हमले की कोशिश, ये सब बताता है कि हमास ने किस तरह की मारक क्षमता हासिल कर ली है। ये वही हमास है जिसने 36 साल पहले एक छोटे से फिलिस्तीनी ग्रुप के तौर पर इसराइल के कब्जे के खिलाफ एक पर्चा जारी किया था। अब वो छोटी सी सेना में बदल चुका है। 1990 के दशक तक हमास के पास महज 10,000 लड़ाकों की फौज थी, जो आज करीब 40,000 लड़ाकों की फौज बन गई है। हमास के पास अपना मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी है, जहां साइबर सुरक्षा की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके पास बोट्स भी हैं और यहां नौसेना के कमांडो की ट्रेनिंग होती है। हमास के हमले के बाद एक वीडियो भी आया, जिसमें हमास के लड़ाकों को पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग देता हुआ दिखाया गया है। हमास को हिजबुल्ला से भी ट्रेनिंग मिलती है। सन 2000 के बाद से ही हमास ने गाजा पट्टी के नीचे सुरंगों का जाल खोदना शुरू किया। इसमें उसके लड़ाके न सिर्फ पनाह लेते हैं, बल्कि इसमें हथियार बनाने के कारखाने तक हैं और विदेशों से जो हथियार मिलता है उसे यहाँ जमा किया जाता है, यानी कि एक आयुध जो एक गोदाम है उसके तौर पे भी इन जो सुरंग है उनका इस्तेमाल होता है। हमास के पास कई तरह के बम, मोर्टार, रॉकेट, एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी की जगह हमास 2007 में गाजा की सत्ता पर काबिज हुआ। 2008 में उसके पास महज 40 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट थे, लेकिन 2021 आते आते उसके पास 230 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले रॉकेट हैं। 2021 की गाजा की लड़ाई से पहले हमास के पास करीब 23,000 मिसाइल थी और ये इसकी ताकत ही है कि इस लड़ाई के बाद भी हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद करीब 12,000 मिसाइल अपने जो बचाने में उसको अपने पास रखने में कामयाब रहे। ये हमास की बढ़ती ताकत ही थी जिसके चलते 2008 में इसराइल ने हमास के साथ लड़ाई में अपने 9 सैनिकों की जान गंवाई और 2014 में 66 सैनिकों की। एक सैनिक की मौत पर जो इसराइल है वो काफ़ी एक जवाबी हमला करता है, लेकिन अब सवाल है कि हमास को इतनी ताकत मिलती कहाँ से। इसराइल इसके लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराता है। दरअसल ईरान जो है वो इसराइल को चारों तरफ से घेर कर रखना चाहता है, इसलिए वह गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला को हथियार और पैसे से मदद करता है। फिलिस्तीन की ज़मीन पर इसराइल के कब्जे की दलील देकर उसके खिलाफ ये सभी एकजुट होकर काम करते हैं। हमास के नेता इस्माइल हनियेह ने पिछले साल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि हमास को ईरान से $70 मिलियन की सैन्य मदद मिली। वहीं इसराइल के सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि ईरान ने हमास के मिलिट्री विंग को पिछले साल $350 मिलियन की मदद दी, जो कि बहुत बड़ी मदद है। और इस मदद के बूते जो है हमास जो है अपना विस्तार करता जा रहा है। हमास खुद भी रॉकेट बनाता है। इसराइल की तरफ से ऐसे वीडियो भी जारी किए गए हैं जिसमें हमास ने अंडरग्राउंड पानी के पाइप को निकाल कर और उसे काट कर उसका इस्तेमाल रॉकेट बनाने में किया है। यानी कि इसराइल से लड़ने के लिए हमास ने हर संभव तरीका अपनाया है और हर वो तरीका जो कि कन्वेंशनल नहीं है उस पर वो चला है। उसे लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट जो है वो ईरान, सीरिया जैसे देशों से मिलता है। हमास ने 2005 से रॉकेट और विस्फोटक बाहर के देशों से हासिल करना शुरू किया। ये समुद्री रास्ते से सूडान तक पहुंचता है और ट्रक के जरिए इजिप्ट पार करता है और फिर सुरंगों के जरिए गाजा पहुंचता है। इसराइल की तरफ देखें तो उसके पास करीब 170,000 नियमित सैनिक हैं। इसके अलावा 465,000 रिजर्व सैनिक हैं। 2023 का उसका रक्षा बजट जो है वो $23.6 बिलियन का है। इसराइल के पास अत्याधुनिक तकनीकी हथियार F-15, X-16, F-35 जैसे लड़ाकू विमान हैं, आयरन डोम जैसा उन्नत हवाई सुरक्षा प्रणाली है जो गाजा से आने वाले अधिकतर रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देता है। मतलब इसराइल की सेना और सैन्य ताकत के मुकाबले हमास की सैन्य ताकत कहीं नहीं ठहरती, लेकिन फिर भी उन पर जो इतना बड़ा हमला कर दिया इसराइल पर, वो बताता है कि कितनी हिम्मत और ताकत उसकी बढ़ी हुई है। इसराइल की ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद तक को भनक नहीं लगी कि इतना बड़ा हमला होने वाला है। और अब इसराइल अपने टैंक लेकर गाजा में
घुसने की तैयारी में तो और घुस सकता है, लेकिन गाजा की गलियों और सुरंगों के मास्टर जो हमास के लड़ाके हैं उनको कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। कुल मिलाकर ये अपने शुरुआती दिनों में पर्चे और पत्थर फेंक कर प्रदर्शन करने वाले जो वाला जो गुट था हमास, अब वो एक सैन्य शक्ति में बदल चुका है और ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है।